नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजीव दीक्षित जी के बारे में। ये तो सभी जानते हैं कि राजीव दीक्षित जी रामदेव जी के साथ बहुत लंबे समय तक कार्यरत थे। राजीव दीक्षित जी, जिनका 29 नवंबर 2010 भिलाई के बीएसआर अपोलो हॉस्पिटल में निधन हो गया था, उसके बाद पुलिस ने बिना पोस्टमार्टम किए उनका पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए उनके गृह नगर भेज दिया था। दीक्षित जी के परिवार वाले भी उनकी मृत्यु के कारणों पर संदेह व्यक्त करते रहे। इसको लेकर परिवार ने पीएमओ ऑफिस में भी संपर्क किया, हालांकि इतना कुछ हुआ नहीं। लेकिन अब ताजा खबरों से ये पता चल रहा है कि जल्द ही पीएमओ मामले की जांच के लिए दुर्ग पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजने वाले हैं। राजीव दीक्षित जी एक ऐसे शख्स जो अगर जिंदा होते तो अब तक भारत में स्वदेशी और आयुर्वेद का शायद सबसे बड़ा ब्रांड बन चुके होते, शायद बाबा रामदेव से भी बड़ा ब्रांड। कहा जाता है कि इन शख्स ने बहुत कार्य किया रामदेव जी के साथ, परंतु बाद में इनको रामदेव जी के प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जाने लगा। राजीव दीक्षित जी के राष्ट्रवाद की कल्पना स्वदेशी और अखंड भारत के इर्द गिर्द बुनी गई थी। ये भारत को पूरी तरह से बदल देने की हिमायत रखते थे। ये चाहते थे कि पूरी व्यवस्था को बदल डालना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू को देश का ये सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे, और वहीं अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ममता बनर्जी जैसी हस्तियों से रेगुलर बातचीत में रहने का भी ये दावा किया करते। हालांकि इन लोगों ने तो कभी नहीं स्वीकारा कि वे राजीव दीक्षित जी से बातचीत करते हैं, परंतु राजीव दीक्षित जी का कहना है कि वे ऐसे बड़ी हस्तियों के संपर्क में रहते हैं। वो कहते थे कि पिछले 20 साल में वो कभी बीमार नहीं पड़े। अंगूठे पर मेथी का दाना बांधकर जो काम ठीक कर लेते थे, वो एक विवादास्पद मौत मरे। राजीव जी की माता श्री अब उनके कहे और लिखे पर बंदर बाट हो रही है। ऐसे महान हस्ती थे राजीव दीक्षित जी। 30 नवंबर 1967 यूपी के अलीगढ़ में राधेश्याम दीक्षित और मिथिलेश कुमारी के घर एक बच्चा पैदा हुआ, जिसे उन्होंने राजीव दीक्षित का नाम दिया। शुरुआती पढ़ाई वैसे ही हुई जैसे यूपी के किसी मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे की होती है। लेकिन इलाहाबाद में बीटेक करने के दौरान राजीव जी को उनका मकसद मिला। यहाँ अपने टीचर्स और कुछ साथियों के साथ राजीव जी ने आजादी बचाओ आंदोलन शुरू किया। ये कारण तो नहीं मैं मानता हूँ कि हम कमजोर थे और विदेशी हमसे मजबूत थे, इसलिए हमको वो परास्त कर गए युद्ध में और हम लुट गए। अगर हम कमजोर ही थे तो पृथ्वीराज चौहान कहाँ से आ गए। उनकी जिद थी भारत का सब कुछ स्वदेशी बन जाना। आईआईटी से एमटेक करने के बाद राजीव जी ने कुछ वक्त तक सीएसआईआर में काम किया। बताया जाता है कि इस दौरान उन्होंने डॉक्टर कलाम के साथ भी काम किया। यहाँ से निकलने के बाद राजीव जी की मानो जिंदगी ही बदल गई। उनके जिंदगी का एक ही मकसद था, राष्ट्र सेवा। इसके मायने, पैमाने और तरीके उनके खुद के इजाद किए हुए थे और वो यही करते रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में जानेंगे राजीव दीक्षित जी के राष्ट्रवाद के बारे में, उनका विदेशी कंपनियों के बारे में क्या सुझाव था, उनका स्वदेशी को लेके क्या प्रचार था। इतने सारे देश अगर स्वदेशी के आधार पर दुनिया भर में खड़े हो सकते हैं और महाशक्ति बन सकते हैं, तो भारत भी स्वदेशी के आधार पर ही खड़ा होकर दुनिया की महाशक्ति बन सकता है। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। और राजीव दीक्षित जी के कुछ ऐसे दावे जो आपको हिलाकर रख देंगे। तो दोस्तों, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मेरा आपसे अनुग्रह है, राजीव दीक्षित जी के बताए हुए जितने भी स्वदेशी नुस्खे हैं, जो भी वो बातें बताते हैं, उनको हम अपने जीवन में जरूर अपनाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरी वीडियोस भी देखें जहां पर हमने बताया हुआ है राजीव दीक्षित जी ने अलग अलग बीमारियों में क्या क्या फॉर्मूलाज बताए हैं बीमारी को ठीक करने के लिए। नमस्कार दोस्तों।